सो गाइस, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पबजी जो है अपडेट हो चुका है न्यू एरा 1.0 में, या फिर जिसमें कि आपको इरेंगल 2.0 देखने को मिलता है। तो आप भी जो है इसे अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अगर आप अभी प्ले स्टोर पर जाएंगे वहाँ पर सर्च करेंगे पबजी, देन वहाँ पर आपको पबजी शो नहीं होता है। तो बहुत ही बड़ा डाउट है लोगों के मन में कि कैसे जो हम अपने पबजी को अपडेट करें, क्योंकि गेम में तो इसका अपडेट नहीं आ रहा है, तो आपको प्ले स्टोर से ही अपडेट करना पड़ता था पहले। तो कैसे जो इसे अपडेट करना है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आपको बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। बहुत ही सिंपली जो है आप अपने पबजी को अपडेट कर पाएंगे। अगर आपके फ़ोन में पबजी इंस्टॉल नहीं भी है तब भी आप ये नया वाला वर्जन जो है अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। सो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो हे गाइस, दिस इज शुभम हियर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पबजी जो है अपडेटेड है, एंड आप भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको सीजन 14 देखने को मिल जाएगा। सीजन 15 नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है और ये मेरा ओरिजिनल आईडी है। यहाँ पर मैं अभी ग्राउंड पे हूँ, मेरे को उतने अच्छे से खेलना नहीं आता है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। मैंने बस एक ही दो सीजन से खेलना शुरू किया हूँ। सो गाइस, आप भी जो है अपने पबजी को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा लुक एंड फील चेंज हो गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था बीटा वर्जन जब आया था उस समय कि यहाँ पर आपको सारी कुछ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। सो चलिए बताते हैं आपको इसे कैसे अपडेट करना है। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया है यह एक मेजर अपडेट है, तो इसे इंस्टॉल करने के लिए आपके पास 2 से 3 GB का इंटरनेट डाटा होना चाहिए। सो गाइस, इसे इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में जाना है एंड जो पहले पबजी इंस्टॉल करके रखे हैं आपने, आपको उसे अनइंस्टॉल कर देना है। सिंपली आप इसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको एक APK का फाइल मिलेगा जो कि 50-60 MB का होगा, आपको इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको फाइल मैनेजर में जाना है, एंड फाइल मैनेजर में जहाँ पर भी आपने डाउनलोड किया है वहाँ पर जाइए और इस APK पर क्लिक करिए, एंड क्लिक करने के बाद इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे देन आपका इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस, जैसे ही आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करेंगे देन आपको यहाँ पर डाउनलोडिंग रिसोर्सेस लिखा आएगा, तो यहाँ पर जो है 1.8 GB का जो OBB फाइल है वो आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर कितना डाउनलोड हुआ है वो तो शो नहीं हो रहा है, बट हाँ आप ऊपर से अगर आप नोटिफिकेशन बार को स्क्रॉल करेंगे देन वहाँ पर लिखा आ जाएगा कि डाउनलोडिंग OBB सर्विस रनिंग। तो यहाँ पर आपका OBB डाउनलोड होना शुरू हो गया है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके पास 2 से 3 GB का डाटा होना चाहिए। सो गाइज, यहाँ पर आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितने देर में यह फाइल डाउनलोड होगी। आपका अगर इंटरनेट स्पीड सही है देन 5 से 10 मिनट में आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगा। सो गाइज, जैसे ही आपका डाउनलोडिंग कंप्लीट होगा उसके बाद आपका गेम ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको अपने ID से लॉगिन कर लेना है, एंड लॉगिन करने के बाद जो है आप अपने गेम को एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एरेंगल 2.0 और साथ ही साथ बहुत सारे जो चेंजेस हुए हैं सभी आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया देन प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि पबजी को अपडेट करना चाहते हैं, और ऐसे और भी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, तभी आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी। सो सी यू ऑल गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।